पिछले दिनों एक 22 साल बच्चे ने 55 मिनट मेरे मुझे फ़ोन पे सिर्फ माँ बहन की गाली नहीं दी, बाकी सब कुछ किया और मैं 55 मिनट सुनता रहा। एक हफ्ता मेरे सर का दर्द नहीं गया, 55 मिनट। और 22 साल का अनपढ़ नौजवान वो बकवास करता गया, और मैं 55 मिनट में सुनता ही रहा। हर थोड़ी देर बाद जब मैं कहता, बेटा को ठंडे तो हो जाओ, कोई हंस के तो दिखा दो, कोई आओ, कोई प्यार मोहब्बत की बात भी कर लें। आखिर मैं जाकर कहने लगा, एक बात है कि आपका सब्र बहुत बड़ा है, आपने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। दावत देने में दाई जलील होता है, जिसको दावत दी जा रही वो उसको हम एहतराम देते हैं, इज्जत देते हैं। शराबी आ रहा है, हम इज्जत दे रहे हैं। जुआरी आ रहा है, जानी आ रहा है, सूदखोर आ रहा है, तशरीफ लाइए बैठ जी। तो तीसरी बात ये चाहता हूँ कि आपका तबलीग में जाने का जो जज्बा है वो नबियों वाला हो। ये बात के जज्बे बने हैं, पढ़ने बैठ जाऊँ, किताब लिखूँ, कहीं मिंबर पे बैठ जाऊँ, कहीं खिताबत पे बैठ जाऊँ, कहीं दर से कुरान मिल जाए, कहीं दारुल इफ्ता मिल जाए, या किसी शेख का मुरीद हो जाऊँ तो मुझे खिलाफत मिल जाए तो और मेरी पीरी मुरीदी भी चल जाए। ये बहुत बात के जज्बे हैं। मेरे नबी और सहाबा था कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कहीं रास्तों में तनहा कहीं हूँ वरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफ़र हूँ मेरा कोई घर नहीं। ये जज्बा पैदा कर